दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबके मेरे चैनल के एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ सब अच्छे। भाई साहब, ये इसका पॉइंट है। ठीक है, देखिए ये है वो पॉइंट जो ब्रेक होता है। ऐसे ब्रेक हो गया ना, तब ये कनेक्ट हो जाता है, और जब बंद हो जाता है ना, तब वो डिसकनेक्ट हो जाता है। तो यही ये होता रहता है। ये इससे देखिए, ये एक उभार है, ग्रूव्स है। तो जब ये घूम के इधर आता है तो ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद कनेक्ट हो जाता है और प्लग में फायरिंग होता है। तो जब भी कभी स्टार्टिंग में दिक्कत आए और आपको लगे कि इलेक्ट्रिक कम पास हो रहा है, प्लग में करंट कम जा रहा है, तो इसको आपको छेड़ना है। तो पहले तो इसको पॉइंट मिलाना थोड़ा टफ है, तो छेड़िएगा मत। अमेच्योर जैसे मैं अमेच्योर हूँ, तो मैं छेड़ता नहीं हूँ। मैं ये जो गैप है ना, ये गैप मैंने साफ़ किया था। देखिए ये जो गैप है, इसको मैंने साफ़ किया था। इस गैप के बीच में ये जो गैप है, जो गैप हो रहा है, तो इसके बीच में मैंने ये वाले पेपर, जो पेपर है ना, ये पेपर मैंने इसके बीच में लगा के यूँ घुसाया था। यूँ मैंने घुसाया था, घुसा के थोड़ा साफ़ किया, फिर उल्टा करके भी मैंने इसे घुसाया, घुसा के पूरा साफ़ किया। मतलब इस साइड और इस साइड, दोनों साइड, इस साइड भी उस साइड भी, दोनों साइड मैंने साफ़ किया। फिर पूरा करंट आने लगा। और जब भी पूरा करंट आ गया, तो ऑटोमेटिक मैंने गाड़ी स्टार्ट भी हो गया। अब किक करने के बाद अगर प्लग निकालोगे, तो प्लग आपको भीगा दिखना चाहिए। जैसे कि देखिए प्लग गीला है, इसका मतलब, जैसे देखिए ये प्लग गीला है, इसका मतलब पेट्रोल यहाँ पे चैम्बर पे जा रहा था, प्लग गीला था, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मुझे पॉइंट खोल के, पॉइंट का कवर खोल के, ये रहा कवर, मैंने पॉइंट का कवर खोल के चेक किया करंट आ रहा है कि नहीं। जब करंट नहीं आया, मतलब तभी मैंने पॉइंट का कवर खोला और मुझे थोड़ा कम करंट दिखाई दिया, तो मैंने इसको साफ़ किया और लगाया, तो गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गया। तो जब भी आपकी कोई भी गाड़ी जिसमें ये वाला दिक्कत है, सीबी पॉइंट वाला गाड़ी, सीडीआई वाला अलग है, सीबी पॉइंट वाला गाड़ी में अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो, ओल्ड जावा में भी सीबी पॉइंट था, ओल्ड राजदूत में भी था पॉइंट, बाद में उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है, और सी आई बुलेट 350 में तो अभी भी स्टैंडर्ड में तो था ही। तो जब भी आपको ये दिक्कत आए, तो एक इलेक्ट्रिक मतलब करंट चेक करना है, चेक करना है प्लग में करंट आ रहा है कि नहीं, प्लग में पेट्रोल आ रहा है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक है, करंट कम आ रहा है, तो पहले इसको थोड़ा घिस लेना है, बाद में करंट आ जाएगा। अगर तब भी ना आए, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है। ये वाला गैप आपको मेंटेन करना होगा, ठीक से पॉइंट मिलाना होगा। अगर वो भी ना हो, तो कंप्रेशन भी चेक करना होता है, ऊपर हवा का दबाव, प्रेशर कितना आ रहा है, वो आप उंगली दबा के चेक कर सकते हैं। ये नॉर्मल लोग कर लेते हैं, आप भी कर पाओगे। कंप्रेशन ना आए, तो उसमें साइड से आपका वाल्व का एडजस्टमेंट करके कंप्रेशन ठीक कर सकेंगे आप। तो वो वाला भी आपको देखना है। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम आ जाता है वो वाला, कंप्रेशन अगर ना आए तो मतलब मेजर प्रॉब्लम है। बेसिकली ये प्लग शॉर्ट हो जाता है और इसमें से इलेक्ट्रिक पास कम होता है, वो ये गड़बड़ हो जाता है, ये पॉइंट सेटिंग गड़बड़ हो जाता है, या फिर पॉइंट में मॉइस्चर वगैरह लग जाते हैं, तो थोड़ा इशू आ जाता है, वरना ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। तो